नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 यानी कि 4 अगस्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हां, आपको दो बड़ी अपडेट आपके बीच में लेके आया हूं। बड़ी खबर, दो बड़ी आपके खबर मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब छात्रों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, परीक्षाओं के रद्द। तो बिल्कुल मैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी अपडेट देने वाला हूं, दो बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको यूपी बीएड एग्जाम जो भी अपडेट लेटेस्ट अपडेट आए तो मैं आप लोग को अपडेट करा सकूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, आपको टॉपिक में चलते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मैं आपको पूरी अपडेट बता देता हूं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने न्यूज कटिंग फ्लैश हो रही होगी, वहां पर आप लोग हेडलाइन से गौर कीजिएगा कि बीईओ बीएड परीक्षा स्थगित कराने को राज्यपाल से गुहार। जी हां, आपको बता दें कि बीईओ और बीएड परीक्षा स्थगित कराने से माननीय राज्यपाल महोदय से छात्रों ने गुहार लगाई है, उन्हें पत्र लिखा है। और एक आप लोग बड़ी अपडेट आई है परीक्षा टालने को लेकर, एक बड़ी और न्यूज आई है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा और बीईओ परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। और युवा मंच के संयोजक राजेश सशांत के नेतृत्व में छात्रों ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित किए जाने का तत्काल निर्णय लिया जाए। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी, अब चलिए जान लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो आप लिए इम्पोर्टेंट। आपके स्क्रीन पर एक न्यूज और देखने को मिलेगी, वहां पर आप लोग हेडलाइन पे देखिएगा कि परीक्षा टालने की मांग, यानी कि आप लोग की बीएड प्रवेश परीक्षा टालने की जद्दोजहद की जा रही है, आपको बिल्कुल परीक्षा काफी स्थगित की जाए। ऐसे में एक और अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख पाए कि रेजिडेंट डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद उन्हें अपने ही संस्थान में 20 घंटे बाद काफी जद्दोजहद करने पर बेड मिला है। और ऐसे में जब लाखों छात्र परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उनके अभिभावक भी साथ रहेंगे तो क्या होगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि उधर इकबाली नौजवान सभा यानी कि इनोस ने भी 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा और 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग है। और इनोस के प्रदर्शन की सचिव जो हैं वो सुनील मौर्य ने कहा है कि कोरोना महामारी का संकट पूरे देश पर है और ऐसे में छात्रों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो ये बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात जो उन्होंने कही है, आपके सुनील मौर्य जी की इनोस के प्रदेश सचिव हैं, उनकी तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आप देख पा रहे हैं कि आपके समर्थन में आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा हो या बीईओ प्रवेश परीक्षा आपकी स्थगित हो, ऐसे में सभी संस्थान अपने सामने आ रही हैं, आप लोगों की परीक्षाओं को स्थगित कराने में सहयोग कर रही हैं। ये बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए बीएड प्रवेश परीक्षा रद्द करने को लेकर आई है। और मैं आशा करता हूँ आपको ऐसे ही आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहिएगा, ट्विटर पर कैंपेनिंग करते रहिएगा, तो आप लोगों के लिए जो 9 अगस्त की परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल रद्द हो सकती हैं। बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है, आज हमारा एग्जाम बिल्कुल होगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा बिल्कुल भी आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी हो गई थी लेकिन बाद में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसे मन में आप लोग डाउट ना रहे, बस आप लोग ज्यादातर कैंपेनिंग करते रहिए, ट्विटर पर अपनी बात रखते रहिएगा, आप लोग प्रदर्शन करते रहिएगा, आप लोगों की परीक्षा डेफिनेटली पोस्टपोन होगी, आपकी कोरोना वैश्विक महामारी परीक्षाएं नहीं कराएंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अपडेट पसंद आई है। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की जो भी लेटेस्ट अपडेट आए मैं आप लोग को अपडेट करा सकूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका।